मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विंध्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विंध्य के दौरे पर थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विंध्य में दो रातें बिताई, तमाम कार्यकर्ताओं की बातें सुनी। आज अपने दौरे के अंतिम दिन उन्होंने मनगावा और त्योथर में कार्यकर्ताओं से बात की, उनके मन की खूब सुनी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जम पर निशाने पर लिया, पूर्व मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना, ये लूट खसोट करने वाली सरकार है, चाहे प्रदेश की बात की जाए या केंद्र की। इनका केवल झूठ बोलना, गरीबों के साथ अन्याय करना, गरीबों से पैसा लेना, अमीरों को देना। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, साथ ही त्योथर में कार्यक्रम के आयोजक रमाशंकर सिंह से भी हमने बात की। पिछले चुनाव के दो दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहां आए और वादा किया कि सरकार हमारी बनवा दो, सबको 5-5 एकड़ जमीन दी जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा झूठा आदमी ना मैंने अपने जीवन में देखा ना देखूंगा। कहा गया वो 5 एकड़ जमीन, और उससे बड़ा झूठा एक और दिल्ली में है जिसने कहा था कि 15 लाख रुपए हर घर को दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ठगना जानती है, झूठे वादे करती है, प्रलोभन देती है, लेकिन गरीब विरोधी है। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली मिली कि नहीं मिली? मिली। 10 साल तक गरीबों के घर में बिजली मुफ्त में मिली कि नहीं मिली? अनुसूचित जाति जनजाति को जमीनें मिली कि नहीं मिली? मिले। खेती किसानी के लिए और आवास के लिए। कांग्रेस यानी कि गरीबों की पार्टी, और भाजपा बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी। अडानी अंबानी। हाँ, इस मोदी जी के राज में गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए, गैस की टंकी मुफ्त में आपको दे रहे हैं। गैस की टंकी आ गई, लेकिन 400 रुपए की गैस की टंकी का क्या भाव है? 1150 है कि नहीं है? 1200 होली पे मुफ्त देने को बोले थे, 100 रुपए बढ़ा दिए। अब बात वही है, मोदी जी जो है और भाजपा, एक रुपया जेब में डालते हैं और 10 रुपया जेब से निकाल लेते हैं। 400 की गैस की टंकी 1200 की हो गई। 1.5 महीने में एक टंकी लगती है तो 800 रुपए तो उसी में चले गए। खाने का तेल कहां से कहां पहुंच गया? नमक महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, और अब आटा दाल चावल पर भी टैक्स लग गया, आटे पर भी। दूध महंगा होता जा रहा है, दूध दही पे घी पर भी टैक्स पड़ गया, जीएसटी लग गई। तो ये 1000 जेब में डालेंगे और 5000 जेब से निकाल चुके। कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े अरबपतियों से टैक्स लेकर गरीबों में बांटा जाता था, और अब क्या हो रहा है? अब गरीबों पे टैक्स बड़ा बड़ा के उनसे वसूल किया जा रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि ये लोग आपको लूटते हैं। ये लूट खसोट करने वाली पार्टी है, ये सूट बूट की सरकार की पार्टी है। लूटो और खुद सूट बूट बनाकर ऐश करो।
ये झूठे प्रचार में कैसे आ जाते हैं। केवल उनसे एक बात कहो कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, वो कहते हमने तुम्हारा राम मंदिर बनवा दिया, वो कहते हमारे को जमीन चाहिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बहुत जाति हो रही है, उनको ठीक करने की जरूरत है। उनसे कहो कि हमें पानी की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है, वो कहते अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चली हुई है। बात यह है इनको केवल हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश में जो 65 विधानसभा सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है, उन सीटों को उन्होंने टास्क में लिया है, अपने प्राथमिकताओं में लिया है, और हम कार्यकर्ताओं को वो जोश देने भरने आए थे, समझाने आए थे कैसे भाजपा चुनाव लड़ती गंदे तरीके से, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से भाजपा कर रही है। हमारे बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता साथियों को सबको बड़े सूझबूझ के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाके असली उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। पिछली बार दो बार से आप लगातार बहुत कम वोटों से हार रहे हैं, क्या कारण मानते हो और इस बार अपनी जीत की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लगातार जब कोई सरकार रहती है तो उसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेके स्व सहायता समूह से लेके NRLM से लेके जितने सरकारी संगठन हैं सब उनका कब्जा होता है। अभी आप लोगों ने विकास यात्रा के दौरान देखा है, विकास यात्रा जनता नहीं थी, कर्मचारी थे, कर्मचारियों का हजूम था, 20-20 गाड़ियां यहां के माननीय विधायक माननीय सांसद का चला करती थी। जनता ने भाजपा को नकार दिया है पूरी तरीके से, और हमको उम्मीद है यदि हम बूथ लेवल पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पुराना इतिहास जो है उसको हम हार का ख़त्म करेंगे और चुनाव जीतेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, रमाशंकर सिंह को देगी तो रमाशंकर सिंह जीतेंगे, नहीं जिसको देगी वो जीतेगा। मुझे भरोसा है कि हमारे नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, इनके इनको दृष्टि दोष नहीं है, ये जमीनी हकीकत को जानते हैं, और सर्वे में जब हमारा नाम आएगा तो निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में हम आपसे प्रत्याशी के रूप में मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद बहुत।